नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्लैनेट भोजपुरी। जी हाँ, और मैं हूँ अनिल पॉल। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूँ जनाब। अच्छा चलिए, मैं काम करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंटू, आपने सारेगामापा देखा है? याद आया? जी हाँ, मैं उसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। हमारे साथ आज हैं स्नेहा उपाध्याय। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और प्लैनेट भोजपुरी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से मेरा प्रणाम। स्नेहा, हम बिल्कुल एक हमारा जो रंगारंग फेस्टिवल है उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हाँ। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आई होली रे, होली के ऊपर आप। हाँ, होली के ऊपर जैसा कि सबको पता है कि मैं कुछ ना कुछ अलग धमाका लेके आती हूँ। जैसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती कि आती हैं आप तो कुछ धमाका लेके आती हैं। तो इस बार होली में भी बहुत सारा धमाका होने वाला है। बहुत से हर जैसे कि रंगों का त्यौहार है होली, तो हर रंग के गाने आपको दिखने वाले हैं होली में। तो मेरे 12 गाने इस बार होली में आने वाले हैं। 12 सॉन्ग्स हैं जो अलग अलग कंपनियों से रिलीज़ होने वाले हैं, और अलग अलग वेराइटी है, हिंदी, भोजपुरी सब है, और वेराइटीज ऑफ सॉन्ग्स हैं जो आप लोगों के बीच आने वाले हैं। अच्छा स्नेहा, एक मेरा अपना एक सवाल है, अगर आप अदरवाइज नहीं ले तो मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, ये द्वियर्थी गाने और वल्गैरिटी के ऊपर बहुत नाम खराब हुआ जा रहा है, इसके बारे में आपकी अपनी राय, सुनी सुनाई नहीं किसी के ऊपर नहीं, आपकी अपनी राय क्या और कैसे इसको हम सुधार सकते हैं? वल्गैरिटी के को लेके मैं हर बार ही बोलती हूँ, बट कोई मतलब नहीं बनता। मैं पर्सनली कोई एक आदमी से कुछ भी चीज़ नहीं सुधर सकती है। कोई एक आदमी वो कोशिश कर सकता है कि मैं ना करूँ, वो वल्गैरिटी आप नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि आप ना किसी की सोच बदल सकते हैं, ना आप किसी को बदल सकते हैं। लोग सुन रहे हैं तो लोग बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं, दोनों बात है, दोनों चीज़ है। तो उस चीज़ पे मैं कमेंट नहीं करूँगी। हाँ, मैं नहीं गाती हूँ वैसे गाने, वो मेरा डिसीजन है, मैं नहीं गाती हूँ। मैं वल्गैरिटी के बहुत खिलाफ़ हूँ। कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस जो होते हैं, मेरे गाने जो होते हैं, वो सब सुन सकते हैं, सब लोग आप घर में बैठ के सुन सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं ना करूँ, तो मैं बस अपने ऊपर देख सकती हूँ, बाकी दुनिया को तो मैं ठीक नहीं कर सकती, तो बस उस पर कोई कमेंट नहीं करना मुझे। तो ये थी हमारे साथ आज स्नेहा उपाध्याय। आपने इनके विचार जाने, इनके गाने सुने, कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर हमें, हमें रहेगा आपका इंतजार। मिलते हैं फिर अगले किसी और ऐसी ही सेलिब्रिटी के साथ। तब तक दीजिए मुझे विदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। प्लैनेट भोजपुरी।